साधु भी कौन लोगों, खुद भगवान साधु का भेष धारण करके राजा अंब के दरवाजे पर अलख जगाते कि हे राजन, आज आपके द्वार पे साधु जन आए हैं, कृपया भिक्षा दीजिए। राजा स्वयं हाथ जोड़ के साधु के सामने खड़ा हो जाता है कि महाराज आपकी जो इच्छा हो आप भिक्षा में मांगिए, मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं देने का वचन देता हूं। साधु ने बोला, राजा न्यू नहीं, तीन वचन आप भर लो, अगर तीन वचन भरते हो तो हम भिक्षा मांगेंगे। लोगों, राजा ने तीन वचन भर लिए और जब तीनों वचनों में साधु ने बताते हैं राजपाट, धन दौलत, और राजा को यह आदेश दे दिया कि आप जंगल बियाबान की सैल करो, राजपाट में अब आपका कोई हिस्सा नहीं। लोगों, इतनी सुनते राजा के पाया तले तो धरती चली गई एकदम से, हाथ से राजपाट जाना। राजा अपनी रानी के पास, रानी अंबली के पास जाता है जो पतिव्रता औरत थी। नो कहने लग गया, रानी इस रंग महल ने, इस ऐस हराम ने तज दे, अब हमें जंगल की सैर करनी होगी हमारे बच्चों को लेके। के महाराज ईसा के हो गया, अग न्यू न्यू एक साधु दरबार में आए थे और मैंने उनको वचन दे दिया और वचनों के अनुसार अब मैं नाट नहीं सकता, राजपाट अपना चला गया। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप इस राज में गुजारा कर लियो, मैं एकला बनखंड में जाऊंगा। लोगों, पतिव्रता नारी थी, नुक्कड़ लगी सब जनता से प्रेम करूसु के ब्राह्मण के जाट पिया, कित अमृत के भाड़े में तू जहर रहा से चाट पिया, जब तेरी हाजी होली से मैं क्यों कर जाऊं नाट पिया, हर नुबली आड़े मेहर सिंह की होगी रागनी चाहे हो जा बारह बाट पिया। सातरोडिया सातरोडिया विकास भी गावे भरके न रंग चाम है, अर नुबली नाटन का मेरा धर्म नहीं पिया, राजी क्षत्रिया हमें। नुबली, महाराज क्या बात करते हो, आप तो न्यायकारी राजा हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। एक बात में रानी अंबली समझाती है राजा अंब को कि महाराज जो अपने वचन पर रहे हैं, अपने धर्म पर रहे हैं, उनके बेड़े पार हुए हैं। थोड़े दिन का दुखड़ा हुआ अगर महाराज, धर्मी आदमी को ज्यादा दुख सहन नहीं करना पड़ता। एक वो पतिव्रता औरत थी लोगों, अरे एक आजकल नाश हो रहा है, आदमी 600 का काटड़ा बेच दो कलेश कर देगी, जब बिना पूछे बेच दिया तो उल्टा मंगा के छोड़ दे, सहारनपुर तक लाना पड़ो, आप चाहे 250 बेच दो बाद में कोई रोड़ा नहीं। एक वो पतिव्रता औरत थी, नुबली महाराज डरने की बात नहीं है, मैं बताती हूँ आपको किन किन के बेड़े पार हुए हैं धर्म पर है के। बहुत कम सुनी बात होगी भाई दादा मेहर सिंह की, असल में सुनिए नहीं पावे। क्या कहती है रानी, क्या बताए एक बात के माध्यम से सुनिए। न्यू बोली तू समझने जोगा शाना से, के ऊंच नीच का ध्यान नहीं, वह दुनिया में दुख पावेंगे जिनके दीन ईमान नहीं। ओ समझ जो से नई रागणी है भाई, टेक दुरा ले उस्तादों। नुबली समझन जोगा श्याणा से, के ऊंच नीच का ध्यान नहीं, और दादा ने गृहस्थी जीवन में काम आने की बात कही है भाई। नुबली वे दुनिया में दुख पावेंगे जिनके दीन ईमान नहीं। नुबली महाराज आप अर्दी तक दे दे, मैं समझाती हूं कैसे इस गृहस्थी जीवन को जिया जाता है।
ब्रह्म ज्ञान सुनियो भाई मेहर सिंह का रे, क्या कहती है पहले नंबर पे, क्या बताया मेरे बड़े भाई मेरे गुरु भाई राकेश बाबेपुर से 100 रुपए पहले 100 रुपए और दिए धन्यवाद। मेरे छोटे भाई गुरु भाई अरमान किलोई, बड़े अच्छे कलाकार है, छोटा बच्चा अपनी रागनी भी सुनाऊंगा, 100 रुपए बड़े भाई को देते हैं बार बार धन्यवाद। पहले नंबर पे गृहस्थी बैठे हो भाई, चूकर पार हो जाएगा, सुनियो क्या बताया। नजर फैला के देख लिए रे, नजर फैला के देख लिए रे, पेट धर्म का फलता है, सत का तेल गले दीपक में ज्ञान उजाला जलता है, धर्म के फंदे में फंस के मन नहीं हिला वाले को पिया अच्छा ही फल मिलता है, अच्छी शोभा को अच्छा ही फल मिलता है, और सत्संग से हो बुद्धि चेतन, सत्संग से हो बुद्धि चेतन, गुरु बिन मिलता ज्ञान नहीं, जेपी होलदार साहब 500 रुपए से इस रागनी खुश होके मान सम्मान करे, होलदार साहब का बार बार धन्यवाद। मेरे भाई सोमवीर धनखड़ ढाकला गांव से, यो छोरा दिल्ली धोरेगा पर खेलनिया सह गोरे का, दिल्ली रहे भाई कई साल से नौकरी में है, ढाकला गांव का आपका गुआंडी सदस्य है इस मंच का, भाई 100 रुपए दिए धन्यवाद। मेरे लिए आदरणीय हमारे पिता समान कप्तान नरवाल साहब सतपाल नरवाल जी, समय समय पर इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, 100 रुपए से बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, नरवाल साहब का धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम है YouTube पे हरियाणा क्लब चैनल सर्च करोगे, हरियाणा क्लब बेरी, भाई सोनू 100 रुपए से मान सम्मान किया, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम को भी सुने, एक दो दिन में YouTube पर कार्यक्रम आ जाएगा, सभी भाइयों का धन्यवाद। दूसरे नंबर पे क्या कहती है रानी, उदाहरण दिया नुबली पिया जी, मेरी ना माने इतिहास उठा के देख, किसका इतिहास बताया, क्या लिखा दूसरे नंबर पर, सुनो भाई। त्रिशंकु का जाया सुने हो, त्रिशंकु का जाया सुने हो, तुम मची जग सारे में, राजपाट सब दान दे दिया, रह के एक इशारे में, लड़का रानी तुझे बिके बिके धर्म के बारे में, आसानी बात सोचिए जान ठोकरी आरे में, मत आसानी बात सोचिए जान ठोकरी आरे में, उन्हें भंगी के घर ओ भंगी के घर नीर भरा
आसान नहीं। अरे वे दुनिया में दुख पावे जिसके पास ईमान, बोले दुनिया में दुख पावेंगे जिसके पास ईमान नहीं। वो समझन जो का सहारा है ऊंच नीच का ध्यान नहीं। अरे दुनिया में दुख पावे जिसके ईमान नहीं। अरे हो भाई धर्मवीर नैन लितानी से, हमारे हिसार जिला से बहुत अच्छे राइटर और कलाकार, 100 रुपए से मान सम्मान किया मेरे गुरु भाई राकेश बाबेपुर से, काफी पैसे पहले 100 रुपए और दिए, धन्यवाद। त्रिशंकु का जाया सुनया हो धूम मची जग सारे में, राजपाट सब दान दे दिया रह के एक इशारे में, लड़का रानी दोनों बिक के खुद बिक्या धर्म के बारे में। अरनु बोली मत आसानी बात सोचिए पिया जान ठोकनी आरे में, भंगी कहकर नुबली भंगी कहकर नीर भरिया के कया गया इंसान नहीं। अरनु बोली पिया वे दुनिया में दुख पाओगे जिनके दीन ईमान नहीं। तीसरे नंबर पे नुबली पिया जी सच्चाई पर जो आदमी रहेगा वो कदे मार नहीं खाओगा, उबारा लेगा थोड़े दिन का दुख होया करे। और भाई महेंद्र चांदोल जी 100 रुपए दिए थे, नाम भूल गया माफी चाहूंगा, बार बार धन्यवाद। क्या कहती है तीसरे नंबर पे सुनो भाई, साची बात कहूं, वो साची बात कहूं तेरे ते, साची बात कहूं तेरे ते, कर सच्ची को मंजूर पिया, हाथ जोड़ के खड़ी सामने सत की बंधी हूर पिया, पण में स्वर्ग मिलता बता जति सच्ची सच्चाई पे चलना चाहिए, सच्चाई के घर घर दूर पिया, सच्चाई पे चलना चाहिए सच्चाई के घर दूर पिया। नुबली सच्चाई पे चलना चाहिए सच्चाई के घर दूर पिया, सुनिए भाई, सच्चा सोता बिक जागा, सच्चा सोता बिक जागा, झूठा की चले दुकान नहीं। ये दुनिया में दुख पावे जिसके पास ईमान, ये दुनिया में दुख पावेंगे जिसके पास ईमान बात कहूं तेरे तक कर सच्ची को मंजूर पिया, हाथ जोड़कर खड़ी सामने सत की बांधी ऊर पिया, परमेश्वर ते मिलता बताया जति सती का नूर पिया, अरनुबली सच्चाई पर चलना चाहिए कर सच्ची को मंजूर पिया, अरनुबली सच्चा सोता बिक जागा पर झूठा की चला दुकान नहीं, वे दुनिया में दुख पाओगे जिनका दीन ईमान नहीं। आखिरी नंबर पे दादा लक्ष्मी चंद दादा मांगे राम की रागणियां देखो, आखरी कली में परम ज्ञान मिलता है। जाट मेहर सिंह का गाना, जो जिंदगी में बीती
वो रागनिया के माध्यम तक गा दिया। जमींदार था, हड़ी पाड़ी आदमी था, जो तन पे आपड़ी विपदा जिस तरह से जीवन व्यतीत किया वह चीज रागनिया में गा दी। नुकिनु कोई छल कपट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। आज तो यो पेशा हो गया। उस टाइम आर्य समाज का जोर था और गाने गाने बजाने को पट्टा मान्या करते, खासकर ब्राह्मण और जो जाट कम्युनिटी है इनमें पट्टा मान्या करते। रो रो के कहा अमीर सिंह ननू बोलिया यो काम मत ना सीखियो, मारा काम कोन्या लेकिन तार की खटक। एक रागनी में कया भी है देश नगर घर गाम छूट गया, कित का गाना गाया और कह जाट पे डूम हो लिया बाप मेरा बैक आया। आखिरी नंबर पे क्या बताई समाज की जीवन की हकीकत, सुनो भाई। यो सांग जात का बनता ना, इतना हमने सुन रखा सांग का बनता ना। जब जात का हो के सांग करे तो, जात का हो के सांग करे तो असली की संतान नहीं।